सब कि मैं नहीं बोलो, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी हो गई है मॉर्निंग हो गई है और अभी 10 बजने वाला है, 10 भी नहीं बजा है अभी, और मेरे सारे काम वाम सब हो चुके हैं। और अभी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं नाश्ता, तो देखते हैं क्या बना रहे हो। चलो काम कम कर रहे हो, गाने ऐसे लगा रखे कि क्या बताओ। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी। चाय तो बना दो। गाना नहीं बजा। चाय बना दो ना। नहीं चाय बना, सॉरी। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगी आप बनाते हो। नहीं बनाओ। तो फ्रेंड मैंने चाय बना ली है और मैं तो चाय पी रही हूँ और ये नाश्ता बनाने में बनेगा तो लेके आ जाना अंदर, ठीक है? तो मम्मी चाय पीती है, मैं चाय इंजॉय करती हूँ। मैं नहाने के बाद चाय पी नहीं अभी तक। हमारा नाश्ता बन गया है, ये रही हमारी मैक्रोनी गरम गरम, खा के बताती हूँ कैसी है। परफेक्ट। अब मैं दाढ़ी खुद नहीं करता है। सो अभी हम बाहर बैठे हैं, हल्की हल्की धूप आई है और मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेटे हैं। तो ये है पानी पूरी का डब्बा, ये खोल रहे हैं। क्या क्या है इसमें? खजूर इमली की चटनी। खजूर इमली की चटनी है। खट्टा मीठा इमली पानी पाउडर और पुदीना पानी पाउडर और 50 पीस गोले शक्कर। 50 है इसमें? काफ़ी है। अब इसको बनाओ। और उसमें हमने आलू उबाल दिए हैं, अभी मेरे हस्बैंड ये बनाएंगे, है ना? यहाँ ना पानी पूरी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलते, तो इसलिए हमने ऑनलाइन मंगा लिए और हमने कहा हम घर में बैठ के आराम से खाएंगे, इसीलिए अभी बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब ये है पानी, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। अभी पानी मिला रहे धीरे धीरे ताकि इसमें भुना बने लम्स। कैसे लगे पड़े हैं? अब बन रहा है मीठा पानी, तो पहले पानी कम डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी डालने। हमने यहाँ पर तेल भी रख दिया है कढ़ाई में गोलगप्पे फ्राई करने के लिए। ये तैयार हो चुकी हमारी मीठी चटनी, मट्टी मतलब मीठा पानी, खट्टा पानी और चटनी, तो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। गुड़, शाबाश, मैं आपको शाबाशी देती हूँ। अब गोलगप्पे फ्राई करो। आप करो गोलगप्पे फ्राई। नहीं आप करोगे? ठीक है फिर, चलो आप भी क्या याद करोगे। तैयारी वैसे पूरी हो चुकी है मेरे गोलगप्पे। वाह, यहाँ पर थोड़ा तैयारी कर रहे हैं और मैं इनको अंदर रख के आते हैं। रहा नहीं जा रहा इसलिए खा ली थी। लो ऐसे बच्चे होते ना। यहाँ प्याज की कटिंग चल रही है, ये आलू उबाले थे हमने, इसमें थोड़ा डालेंगे।
बहुत ही अच्छे हो रहे हैं यार, बहुत टाइम बाद खा रहे हैं ना हम लोग। अभी खाओ, बहुत समय बात खा रहे हैं। हमने पिछली बार घर में बनाए थे जब मेरी तबियत खराब नहीं थी, मैंने कहा नहीं था आपसे मुझे रोड पे खाने का मन कर रहा है, तब खाए थे हमने घर में बस। तो हम खाते भी इंजॉय करते, फिर आपको मिलेंगे। सुबह शाम हो गई है और 5 बज गया और हम थोड़े सो गए थे और मैं अभी उठ रही हूँ। बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, आज धूप भी ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी। और अभी हो गया चाय बनाने का टाइम, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। सो मेरी चाय बन गई है, मैंने अपने हस्बैंड को दे दी, तो चल रही है, हम एंजॉय करते हैं। हस्बैंड अभी थोड़ा बाहर गए थे सामान लेने के लिए, चले गए, दरवाजा भी थोड़ा खुला हो गया है। हम पीछे का दरवाजा ना बंद कर रहे थे, मच्छर अच्छर आते ना वहाँ से, थोड़ा इसलिए हम बंद कर देते हैं। और चाय पिए, कॉफी ऐसे रखे हैं। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, कह रहे प्यार में काटा मेरे का काटो, हम बना रहे हैं आज बिरयानी, ये हमारा चिकन है। क्यों हंस रहे हो? मैं बना रहा हूँ, ये खाली है, बोल ली है कुछ भी मतलब। आपने कहा मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ, मैंने कहा ठीक है कर लो, मुझे आती है बिरयानी बनानी, बात तो ऐसे करते जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं होगा। अच्छे से काटो, आपने खुद ही कहा यार सुना छोड़ो मैं आपकी हेल्प करता हूँ करके ना, भगवान ऐसा पति सभी को दे, अच्छी बात है। यहाँ प्याज कटिंग कर दी है, यहाँ पर अदरक लहसुन चावल तेल डालो और फिर ऊपर रखा है वहाँ पर चिकन। तो कुछ तो काम करने दिया करो मुझे, अच्छा नहीं लगता है यार मेरे पति काम करता है मुझे। काम से करवाते हैं ना, मैं कुछ नहीं करा है, अब आप खुद ही खाना बनाने का शौक है, मेरी गलती है, आप खुद ही कहते हो ना मैं बनाता हूँ बल। हाँ सो मैक्रोनी भी आपने बनाए, गोलगप्पे सब आपने बनाए, अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मेरी इतनी अच्छी किस्मत तो ना, ऐसी किस्मत सभी को नहीं चाहिए, ऐसी किस्मत सभी को नहीं चाहिए ना। नहीं आपकी किस्मत अच्छी है, किस किस से शादी करूँगा, किस किस से शादी करूँगा, बाप रे डब्बा कौन डब्बा, कौन सी बिरयानी बना रहे हो? ये है होममेड दम बिरयानी। दम बिरयानी दम दादा बनाते हैं आप, बहुत ज़्यादा अच्छी। आपके आगे में बिरयानी खाइए पहले, नहीं खाइए ना? नहीं। हाँ दादा ने खिलाई है मुझे, आप घर में रहते कितना थे? हाँ। पंकज आते कभी कहूँगी दादा बिरयानी बनाओ करके, वो बनाते थे मस्त वाले। खाना बनाते बनाते इतना टाइम लगा दिया कि भूख लगने लग गई है, इसीलिए हम खा रहे हैं। इसलिए मेरे बकरी ने अमरूद खा रहा है। किसने काटे ये आपने? यस। इतना ध्यान कैसे रख लेते हो मेरा? रखना पड़ता है। चलो मैं आपको खा लेती हूं। जल्दी बनाओ ना, भूख लगने लग गई। टाइम तो फिलहाल हुआ नहीं है खाना खाने का भी, पर हमें भूख लग गई है। फाइनली बनी तो सही, पाव पहले इतना सा क्यों निकाला, और निकाल लेते। अरे निकाल इसे निकले। ठीक है करो टेस्ट, क्या इन डाला क्या है उसमें? पानी, पानी बोतल में यहाँ पर पीने के लिए। प्याज लग गई क्यों बनाते बनाते सी बात, मुझे ऐसा हो रहा है दूध डाले आ गए, जाओ दूध लेके आ, दूध अला गया हमारा तो वो जा रहे लेने के लिए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चिकन। आइए अब उसको गैस में, हाँ फिर होगी होगी, लेकिन अभी एक महीना नहीं हुआ है, एक सीढ़ी तो आ गई है, चार पांच सही है क्या बाबू?
क्या लाए हो? ये इंडक्शन कुकर गैस का मुझे ना सही लो लगा लेना तो ये आ गया है हमारा इंडक्शन जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमारा आ गया है नया इंडक्शन जिसकी हमें वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कैसे? छोटा है घंटा, थोड़ा बड़ा हमारा नहीं, हम दो लोगों के लिए काफ़ी है। हाँ, दो लोगों के लिए काफ़ी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं दूध गर्म, चाय गर्म करने के लिए, अंडे बॉयल करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लगाए इसको? हाँ ट्राई करते हैं। चलो तो लगा दिया। हाँ यहाँ पर लगेगा ये, तो हमने लगा दिया इन्हें। हाँ सही है। तो दूध गर्म के देखें। हाँ इसको ऑन करो। आपने क्या, मैं थी ना मेरे गैर हाजिरी में आपने ऐसा काम करा? काम कर रहा है। इसमें चाय, दूध, पानी गर्म हो सकता है, गर्म होने लग गया, अंडे बॉयल होने लग गए। ये घूम क्यों रहा है? शायद इसमें ना पेट लगी हुई है, ये फिक्स नहीं बैठ पा रहे ना, थोड़ा मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो शायद अब कुछ काम है। तो ये अभी ऑन हो गया है और दूध गर्म है, काम कर रहा है। दूध गर्म हो रहा है यहाँ पर। तो हमें ज़रूरत थी इसकी जो कि हमारा नेक्सन आ गया है। और ये क्या कर रखा है? ये बर्तनों का धोएगा? बर्तन बिरयानी बन चुकी है और मैंने बर्तन धो दिए सारे, तो कुछ भी काम है सुना। तो बनाने टाइम कितने बर्तन होते हैं? जितने थे ना मैं धो के गई हूँ। और खाना कम बनाते हैं, कर लिया था, तो अभी बस हमारा खाने का काम है। कुछ भी कहा हम कम करेंगे, किचन की गंदगी दुनिया भर के बर्तन तो ऐसे बना देंगे ना, कोई कहेगा कि इनके घर में खाने के लिए आया होगा कोई, तो ठीक है। अच्छी अगर नहीं हो रही होगी ना, तो आज के बाद आपको किचन में नहीं घुसने दूंगी। ज्यादा गीली नहीं बनी है, बढ़िया बनी हुई है, वो तो खाने में चलेगा पता। चलो इसको ऑफ कर दो यहाँ से। हाँ तो मैं यहाँ पर ये पानी भी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड गर्म पानी पीते हैं और हमारा खाना। सो पानी भी गर्म कर लिया है, प्याज भी काट लिया है और मेरे हस्बैंड ने एक अच्छा काम किया है, ये है नल लगा दिया हमने। पहले जो दूसरा नल था ना, जो अभी मगर मैंने जो लगाया हो ना, वो नल ऐसा था ना कि इधर को घुमाओ ना पूरा ही घूम जाता है, पानी ना थोड़ा थोड़ा कर लीक होता रहता है वो। तो मेरे हस्बैंड भी गए थोड़ा सामान मार्केट से लेके आइए, तो ये ठीक है। खाना पीना हो गया और हमारे सारे काम भी हो गए हैं और आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।